हेलो दोस्तों, मैं अभी इस दीवार के ऊपर रायल पे कलर व टेक्सचर मेकिंग करने वाला हूँ। एक टेक्सचर के बारे में आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पर क्या ना आपको दीवार बराबर नहीं दिख रही है, इसलिए कि मैं क्या ना वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि यार आपको क्या ना अच्छी क्लैरिटी के साथ वीडियोज़ चाहिए। तो यार मेरे चैनल को क्या ना थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, मैं भी अच्छी तरह कैमरा ले सकूँ और आपको वीडियो भी अच्छी तरह गुड वीडियोज़ मेकिंग करने के लिए मुझे मदद होगी, और मेरे वीडियोज़ पर भी ना अच्छी तरह व्यूज़ आने चाहिए। तो दोस्तों, अभी अपन टेक्सचर मेकिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए 7880 रॉयल लग्जरी इमोशन बेस है, और इसकी जो टॉप कोट है यह है X123 है। टॉप कोट X123, बेस कोट 7880। अभी मैं यहाँ पर ये बेस कोट मिक्सिंग करने के लिए 200 ml वाटर इस्तेमाल करूँगा, उससे ज़्यादा पानी में नहीं डालूंगा। 200 ml वाटर में बेस कोट में इस्तेमाल करूँगा। और दोस्तों, एप्लीकेशन रूलर के जरिए से क्या ना अपने को दीवार के ऊपर पेंट अप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन रूलर बोलते हैं यार, ये रॉयल रूलर है, एप्लीकेशन रूलर दूसरा रहता, आप ये रूलर इस्तेमाल करिए बेहतर रहेगा, ये रॉयल रूलर। जैसे कि मेरे 2 times बेस कोट कंप्लीट हो जाएगी, और अब मैं आधा घंटा छोड़ दूंगा दीवार सूखने के लिए। अभी यहाँ पर देखिए, मैं बिल्कुल अलग से ट्रे ले आऊँ, और ये है X123 नॉन मेटालिक है। इसको मैं ओपन करके दोस्तों, मैं अभी टेक्सचर मेकिंग करने के लिए टूल्स कौन से इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको वो भी दिखा देता हूँ। रॉयल प्ले कलर व टेक्सचर मेकिंग करने के लिए अपने को टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक फोम और एक ब्रश, 2 या 3-4 inch की ब्रश के साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ती है। सिंपली से अपने को ब्रश से दीवार के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पैचेस लगाना पड़ता है। सिंपली ऐसा पैचेस लगा दे के अपने को क्या ना फिर फोम से ये पैचेस को मैच करना पड़ता है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, वैसे ही फोम से ये पैचेस को अपने को ऐसे मैच करने के लिए अपने को ऐसे रगड़ना पड़ता है फोम से दीवार के ऊपर, ताकि ये जो ना इफेक्ट आ सके। ऐसे ही अपने क्या ना फुल टू फुल वाटर सेम टू सेम प्रोसेस है अपने को। तो दोस्तों, अपने को क्या ना ऐसे वर्क करने में थोड़ा देर लगता है, काफ़ी टाइम लगी है हमारे को ये दीवार कंप्लीट करने में। और ये प्रोसेस करेंगे ना अपन, तो यार इसके ऊपर दीवार के ऊपर पैचेस नहीं आएंगे। ये टेक्सचर करने में अपने को पैचेस तो किसी हालत में नहीं आते। क्यों बोलते यार, अपने को थोड़े थोड़े एरियाज लेके अपने को फोम से वो वर्क करना पड़ता है, उसके लिए दीवार के ऊपर पैचेस नहीं आते। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक मार देना, कोई भी मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर भी क्लिक करना। और दोस्तों, ये वीडियो आपके दोस्तों के शेयर भी कर देना यार। थैंक यू वेरी मच।